हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड देखिए, आज मेरे पास एक होम थिएटर आया है जो कि हमारा 2.1 भी कहते हैं और 4.1 भी इसे कहते हैं। तो देखिए, इसके यहाँ पर कवर भी नहीं है, कस्टमर ने मुझे ऐसे ही देके गया है। तो इसका कुछ प्रॉब्लम है जो आज मैं आप लोगों के सामने रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा। और एक नॉर्मल ब्रांड का हमारा जो होम थिएटर है, ज़्यादा कोई बड़ा ब्रांड का नहीं है, नॉर्मल हमारा बेस टेबल जैसे होता है ना, इसका टेबल नहीं है, बस इसका जो बेस है और इसका जो हमारा जो वॉल्यूम होता है, बस ये दोनों चीज़ें। और ये ब्लूटूथ भी नहीं है, ये ओल्ड मॉडल होम थिएटर है। और देखिए, इसके पीछे वाले साइड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो इसका जो आउटपुट वाला सेक्शन होता है, जो हमारा स्पीकर लगा रहता है, तो यहाँ पर 4 स्पीकर लगेगा, लेकिन ये अंदर से 2.1 है, ये मुझे पता है। और 2 हमारा ऑक्स इनपुट पीछे वाला जो साइड में हमारा जैक है। तो इसके देखिए, इसका कस्टमर ने क्या किया था, इसका क्या स्पीकर वगैरह नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा एक स्पीकर लिया है जो हमारा संतोष कंपनी का है, जो इसका ब्रांड नहीं है। कस्टमर ने मुझे स्पीकर भी नहीं देके गया, तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत होता है। मैंने इसे इधर उधर से ला के रखा है। तो देखिए, मैं इसे चेकिंग करता हूँ, या इधर वाले साइड में लगाता हूँ सबसे पहले, और थोड़ा हमारा जो गन वगैरह जो थोड़ा प्ले करके मैं दिखता हूँ। तो रुकिए, और सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए, इसके जो मेन जो जैक था, मैंने प्लग इन कर दिया, और इसका स्विच को भी मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसका सामने वाला पर, इससे बाद देखिए हमारा जो डिस्प्ले है, वहाँ पर हमारा लाइन वगैरह आ गया है। अब रुकिए, मैं एक जो हमारा यूज़ भी होता है मैंने ले लिया, और अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ और देखता हूँ गन प्ले होता है कि नहीं। तो मैंने यूज़ भी लगा लिया, और देखिए, तो देखिए फ्रेंड, हमारा गान वगैरह प्ले हमारा हो गया, और बहुत ही ज़्यादा साउंड है। रुकिए, थोड़ा कम आता हूँ, और ऐसा गान बजने पे हमारा चैनल पे कॉपीराइट भी आ सकता है। तो देखिए, इसका बेस वगैरह गान वगैरह सब ठीक ठाक ही बज रहा है, इधर वाला आपको शायद ऐसे पता नहीं चलेगा। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर हमारा जो रंग है मैंने उसे रखा। रुकिए, मैं थोड़ा बेस वगैरह देता हूँ, स्पीकर का साउंड देखिए, जबरदस्त बज रही है। मैंने इसका साउंड कम कर, तो देखिए तो बहुत ही अच्छा बज रहा है। अब दूसरे वाले साइड में देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये वाला साइड में तो हमारा बज रहा है, लेकिन इधर वाला साइड में देखिए, इधर वाला साइड में हमारा नहीं बज रहा है। देखिए, मैंने यहाँ पर लगा लिया हमारा स्पीकर, जो देखिए यहाँ पर नहीं बज रहा है, लेकिन हमारा बेस में साउंड आ रहा है, लेकिन हमारा स्पीकर में कुछ भी नहीं हमारा साउंड आ रहा है। तो लगता है यही प्रॉब्लम है, कस्टमर ने लगता है इसलिए हमें देके गया है कि ऐसा प्रॉब्लम है इसका। तो कुछ भी नहीं साउंड आ रहा है, लगता है एक साइड हमारा आईसी वगैरह अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने इसका वॉल्यूम वगैरह दे रहा हूँ, बेस वगैरह दे रहा हूँ, देखिए हमारा ऊपर तो ऑन है, लेकिन हमारा एक वाला साइड में हमारा कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, स्पीकर में कोई साउंड नहीं आ रहा है। मतलब इसका जो लेफ्ट और राइट होता है ना, हमारा जो लेफ्ट वाला साइड में हमारा कुछ साउंड नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा, तो इधर फिर भी आप एक बार देख लीजिए, मैं इधर वाला बार जब लगाता हूँ तो हमारा साउंड बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है। देखिए, हमारा साउंड बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। तो पता लगता है इसका अंदर से कोई प्रॉब्लम है, इसे खोलना ही पड़ेगा। तो मैंने इसका जो स्विच है, मैंने इसे बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अब मैं इसे खोलूँगा, खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी वगैरह भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको स्टेप वगैरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो रुकिए, मैं इसे थोड़ा खोल लेता हूँ, खोलने के बाद मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मैंने इसे खोल लिया, मैंने स्क्रूप वगैरह जितने भी था, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने खोल लिया। और खोलने के बाद ही मैं आपको पूरा, ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कोई मकसद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए। तो रुकिए, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, फिर भी आपको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो आप फिर भी अगर लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो दूर की बात, तो थोड़ा लाइक वगैरह कर दो। तो ये हमारा मेन फिल्टर, जो हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा यहाँ पर देखिए, हमारा 3 आईसी था, एक आईसी नहीं है। तो आईसी क्यों नहीं रहा, आईसी हमारा ब्लास्ट हो गया, आईसी पूरा ब्लास्ट होके पहले से ही उसका बर्बाद हो गया, और इसलिए हमारा ये वाला स्पीकर नहीं बज रहा है। मतलब फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा 3 आईसी है ना, एक आईसी हमारा सिर्फ ऊपर को कंट्रोल करता है, और बाकी जो 2 आईसी है, वो दोनों आईसी मिलकर हमारा 4 स्पीकर को हमारा ऑपरेट करता है। मतलब ये 2.1 है, और ये वाला देखिए आईसी यहाँ पर था, जो हमारा नॉर्मल आईसी है, जो हमारा 20-30 आईसी है। अब इसके जगह जो हमारा 20-50 जो आईसी होता है ना, वो भी लगा सकते हो, वो वाला आईसी लगा सकते हो, और 20-30 लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जहाँ पर जहाँ लगा है वहाँ पर वो लगाना ही सही होता है, कंपनी ने जैसे इसका सर्किट बना है।
तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे ही फूक गया था, ज़्यादातर कुछ नहीं होता, ये वाला होम थिएटर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसे ही कभी कभी फूक जाता है। तो देखिए मेरे पास ऐसी है जो मैंने पहले ही खरीद कर रखा है। तो आप मैकेनिक हो तो आपको हर एक चीज़ कंपोनेंट वगैरह आपको खरीद कर रखना पड़ेगा काम करने के टाइम, तभी फेंट आपको आसानी होगा। अगर आपके पास कंपोनेंट वगैरह नहीं रहेगा तो काम का जो हमारा चमन एनर्जी होता है ना वही नहीं रहेगा। होगा ऐसे। देखिए मैं इसे फटाक से लगाता हूँ, लगा के देखता हूँ हमारा वर्किंग करता है कि कोई दूसरा कोई मसला है। तो देखिए मैंने ऐसी पीछे साइड जो मैंने स्क्रूप से लगा लिया और अब मैं इसे सोल्डरिंग करता हूँ। तो देखिए, तो ऐसे वीडियो में दिखाने में आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड दिखाना तो आपको पड़ेगा ना, मैं हूँ ना आपको सिखाने के लिए। तो आप देखते जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड, आपका अगर एक लाइक मुझे मिल जाता है ना तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो आप एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो देखिए मैं इसका आईसी का जो है आईसी को मैं अच्छे से सोल्डरिंग करना कर रहा हूँ, और आप भी जितना हो सके अच्छे से सोल्डरिंग कीजिए, क्यों ना यहाँ पर हमारा जब स्पीकर बजेगा ना तो लोड ज़्यादा पड़ेगा, और डाई सोल्डरिंग हो जाएगा तो आपको दिक्कत आ जाएगा, फिर कभी बजेगा कभी नहीं बजेगा, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना हो सके बिना कंजूसी के अच्छे से आप सोल्डरिंग कीजिए। तो मेरा तो लगभग सोल्डरिंग हो गया, अब रुकिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है मुझे यही लगता है। देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा अच्छे से सफाई भी कर देना, एक दूसरे के साथ अगर पिन अटैच रहेगा तो हमारा आईसी, हमारा जो सेट को ऑन करने पर ही हमारा आईसी एकदम जल जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है एक किसी भी पिन के साथ कनेक्ट ना रहे, ठीक है। तो देखिए हमारा अब होने ही वाला है, ये वाला आईसी मैंने चेंज किया, ये अच्छा वाला आईसी है, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं प्राइस नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड, क्यों ना मेरा कस्टमर भी वीडियो देखता है, अगर प्राइस उसे पता चल जाएगा तो मुझे पैसे देने के टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसे फिट भी कर लिया, और देखिए तो आपके हिसाब से प्राइस, अगर आप मैकेनिक हो तो मार्केट से थोड़ा तलाशी लीजिए, ठीक है। तो देखिए, और इसका जो जैक है मैं अब यहाँ पर लगा रहा हूँ, जो हमारा मेन एसी जैक है, अब मैं स्विच देता हूँ, और देखिए हमारा लाइन भी डिस्प्ले पर आ गया। तो देखिए अब मैं थोड़ा गाना वगैरह आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा ऊपर तो एकदम ढंग तरीके से एकदम बज रहा है, साउंड भी अच्छा है। तो देखिए, ओह देखिए इसका साउंड, देखिए ऊपर का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोकल होम थिएटर है, ज़्यादा कुछ बड़ा होम थिएटर नहीं है, जो हमारा TDA सीरीज का जो IC वगैरह लगता था 72-94 वो वाला होम थिएटर नहीं है, हमारा नॉर्मल छोटा वाला 20-30 वाला होम थिएटर है। तो यही ज़्यादा मार्केट में बिकता है, ठीक है। तो देखिए हमारा, अब मैं आपको स्पीकर लगा के चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला सेक्शन में तो हमारा पहले स्पीकर बज रहा था, देखिए ये तो हमारा स्पीकर का साउंड एकदम ओके। आप देखिए इधर वाला साइड में बज रहा था और इधर वाला साइड में नहीं बज रहा था, तो आप देखिए एकदम ओके बज रहा है हमारा, एकदम ओके हो गया हमारा होम थिएटर। तो वीडियो में इतना ही, आईसी ख़राब होने पर ही ऐसा प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता, कभी वगैरह हमारा वायर वगैरह टूट जाता है, लेकिन जहाँ तक आईसी ख़राब होता है। तो आपको अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखना, और चलिए फ्रेंड टाटा बाय बाय।